हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल में बनी सुखो सरकार की प्राथमिकता में ऐसे 329 गांव हैं जहां पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इससे गांव के लोगों को कृषि और बागवानी उत्पादों की ढुलाई में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को इसका प्रपोजल तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि इसे मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सके। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड से फंडिंग करवाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत रोपवे विकास के लिए नाबार्ड के दिशा निर्देशों को भी मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में लाने को कहा है। सरकार रोपवे से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेगी। उप मुख्यमंत्री ने रोपवे ट्रांसपोर्ट निगम के अधिकारियों को माता चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए रोपवे विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। सरकार ने अगले 5 साल में 1546 करोड़ रुपए की लागत से 15 स्टेशनों को रोपवे से जोड़ने का भी लक्ष्य तय कर लिया है। अधिकारियों को इस दिशा में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से काम शुरू करने के लिए कहा गया है। ये शहरी रोपवे परियोजना विश्व की अपनी तरह की दूसरी और भारत में पहली परियोजना होगी। सरकार धर्मशाला और मनाली के लिए इस तरह की शहरी रोपवे परियोजनाओं को डेवलप करने की योजना बना रही है। सरकार ने हर जिला में अगले 5 वर्षों के लिए कम से कम एक रोपवे बनाने की भी योजना तैयार की है। इसका मकसद राज्य में संपर्क सुविधा बढ़ाकर रोजगार को बढ़ावा देना है और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाना है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल में बनी सुखो सरकार की प्राथमिकता में ऐसे 329 गांव हैं जहां पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। इससे गांव के लोगों को कृषि और बागवानी उत्पादों की ढुलाई में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को इसका प्रपोजल तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि इसे मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सके। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड से फंडिंग करवाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत रोपवे विकास के लिए नाबार्ड के दिशा निर्देशों को भी मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में लाने को कहा है। सरकार रोपवे से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेगी। उप मुख्यमंत्री ने रोपवे ट्रांसपोर्ट निगम के अधिकारियों को माता चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए रोपवे विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। सरकार ने अगले 5 साल में 1546 करोड़ रुपए की लागत से 15 स्टेशनों को रोपवे से जोड़ने का भी लक्ष्य तय कर लिया है। अधिकारियों को इस दिशा में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से काम शुरू करने के लिए कहा गया है। ये शहरी रोपवे परियोजना विश्व की अपनी तरह की दूसरी और भारत में पहली परियोजना होगी। सरकार धर्मशाला और मनाली के लिए इसी तरह की शहरी रोपवे परियोजनाओं को डेवलप करने की योजना बना रही है। सरकार ने हर जिला में अगले 5 वर्षों के लिए कम से कम एक रोपवे बनाने की भी योजना तैयार की है। इसका मकसद राज्य में संपर्क सुविधा बढ़ाकर रोजगार को बढ़ावा देना है और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ।